हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। वीडियो नंबर 51 लेके आया हूँ हरियाणा जीके की। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं हरियाणा के और जीके के इंक्लूडेड किए हुए क्वेश्चन हैं। टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि अलग अलग वीडियोज, जैसे कि हरियाणा जीके की वीडियोज़ मेरे चैनल में आती हैं, ऑल इंडिया जीके की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पेडोलॉजी की वीडियोज आती हैं, इसके अलावा हिंदी सब्जेक्ट की वीडियोस मेरे चैनल पे आती हैं, तो सर्च करने में कि कौन सी वीडियो किस से रिलेटेड है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कुछ लोगों को। तो एक इसमें मैंने एक स्लाइड डाली है जिसमें कि मैं वीडियो के नंबर्स बताया है कि कौन सी वीडियो किस सब्जेक्ट के को लेके है, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 51 की। हरियाणा की किस महिला को मिला है मिसिज इंडिया यूनिवर्स का ताज? हरियाणा की किस महिला को मिला है मिसिज इंडिया यूनिवर्स का ताज 2017 में? 2017 में हरियाणा की किस महिला को मिला है मिसिज इंडिया यूनिवर्स का ताज? किसको मिला है, कौन बनी है मिसिज इंडिया यूनिवर्स? मिसिज, ध्यान दीजिए, मिसिज इंडिया यूनिवर्स कौन बनी है 2017 की? तो ये बनी है नीतू खोसला। नीतू खोसला जो है बनी है मिसिज इंडिया यूनिवर्स 2017 में। ये गुरुग्राम से बिलोंग करती हैं। बेसिकली ये पैदा हुई थी अंबाला में, ये अंबाला से हैं लेकिन शादी के बाद ये गुरुग्राम में रहती हैं। इनके हस्बैंड जो हैं आर्मी में हैं। तो हरियाणा की महिला जो हैं जिनको मिसिज इंडिया यूनिवर्स का ताज मिला है वो है नीतू खोसला। हरियाणा में पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? हरियाणा में पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है गुरुग्राम में लगाया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये गुरुग्राम को जनरेटर मुक्त करने के लिए लगाया गया है। 24 आवर सप्लाई रहेगी गुरुग्राम में जनरेटर मुक्त करने के लिए। जो है पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है गुरुग्राम में। 32वें सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कौन सा है? 32वें सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अभी 32वें जो सूरजकुंड मेला था उसका थीम स्टेट रहा उत्तर प्रदेश। 31वें का थीम स्टेट था झारखंड। इससे पहले जो 31वां था सूरजकुंड मेला उसका रहा था झारखंड। और कंट्री पार्टनर जो है वो है किर्गिस्तान। 32वें सूरजकुंड मेले का जो है कंट्री पार्टनर वो है किर्गिस्तान। और 31वें जो हुए थे उसका था मिस्र। तो 32वें सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट था उत्तर प्रदेश, 31वें का था झारखंड, कंट्री पार्टनर जो है 32वें का है किर्गिस्तान और 31वें का था मिस्र। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स 2017 कहाँ हुए? ऑल इंडिया पुलिस गेम्स 2017 कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे राय सोनीपत में, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में ये हुए थे ऑल इंडिया पुलिस गेम्स 2017। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे पूछा गया है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन है? वो है संतोष यादव। संतोष यादव जो हैं वो हैं उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा की। अध्यक्ष जो हैं हरियाणा विधानसभा के वो हैं कंवर पाल। ऑप्शन दो आपको दिखाई दे रहा है, कंवर पाल जो हैं अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं संतोष यादव। 31 अक्टूबर 2017 को हिसार में हरियाणा जयंती का समापन हुआ, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? 31 अक्टूबर 2017 को हरियाणा में हिसार में हरियाणा जयंती का समापन हुआ, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे वेंकैया नायडू। 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक चला था, ये पूरे एक साल चला था हरियाणा जयंती का जो समारोह था, हरियाणा स्वर्ण जयंती का जो समारोह था वो पूरे एक साल चला, 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। गुरुग्राम में इसकी शुरुआत हुई थी और हिसार में इसका समापन हुआ। हरियाणा के 50 साल पूरे होने पर यह स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। हरियाणा सरकार किस गांव को नगरपालिका का दर्जा देने जा रही है? हरियाणा की सरकार किस गांव को नगरपालिका का दर्जा देने जा रही है? तो ये है कुंडली, जो कि सोनीपत में है। कुंडली को नगरपालिका का दर्जा देने जा रही है कुंडली गांव को। रामविलास शर्मा जो कि हरियाणा के संसदीय मामलों
शिक्षा विभाग और पर्यटन विभाग मंत्री हैं। कहाँ से विधायक चुने गए हैं? राम विलास शर्मा जो कि हरियाणा के संसदीय मामलों, शिक्षा विभाग और पर्यटन विभाग मंत्री है। कहाँ से विधायक चुने गए हैं? तो ये जो हैं महेंद्रगढ़ से विधायक चुने गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिस स्लाइड के बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था, वीडियोज नंबर, तो मैं ये वो स्लाइड है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वीडियो आपको देखनी चाहिए मेरे चैनल में जो कि अवेलेबल हैं। तो वो हैं, अगर आप हरियाणा जीके इंक्लूडिंग करंट जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो वीडियो नंबर देखने हैं वो है 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50 और 51। आप इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आप जैसे ही मेरा चैनल खोलेंगे, मेरे चैनल के अंदर आपको डायरेक्ट वही वीडियो आप देखें जो कि वीडियो आप देखना चाह रहे हैं। हरियाणा जीके की अगर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ये वाले वीडियो जो मैंने सीरियल नंबर इसमें दिए गए हैं, ताकि अननेसेसरली आप दूसरे वीडियो ना देखें। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड हिंदी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो वीडियो देखनी है 15, 16, 17, 18, 20, 21, 38, 39, 42 और 44। इसके अलावा अगर आप ऑल इंडिया जीके की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसके अलावा जो वीडियोज बनी हुई हैं मेरे चैनल में अवेलेबल है, उनके टाइटल DSSB से है, तो उसमें जो है ऑल इंडिया जीके की वीडियोज आपको हिंदी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही मिलेंगे हर वीडियो में, वो अवेलेबल है। आप इस जो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इसका स्नैपशॉट लेके रख लीजिए और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल से। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है और आगे भी ऐसे रिस्पॉन्स देते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 22 मई 2017 को चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की दूसरी महिला आशा सिंह किस जिले से है? 22 मई 2017 को चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की दूसरी महिला आशा सिंह किस जिले से है? तो ये है रेवाड़ी से। पानीपत किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? पानीपत किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? तो पानीपत जो है वो करनाल के अंतर्गत आता है। आपको पता ही है कि 5 पुलिस रेंज है हरियाणा में, करनाल, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी और हिसार, तो पानीपत जो है वो करनाल रेंज के अंदर आता है। हरियाणा में पहली सेब मंडी कहाँ स्थापित की जा रही है? हरियाणा में पहली सेब मंडी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जो है पंचकूला में स्थापित की जा रही है पहली सेब मंडी। हरियाणा सरकार सौर ऊर्जा व सौर स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? हरियाणा सरकार सौर ऊर्जा व सौर स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? तो ये जो है 90% तक सब्सिडी दे रही है। ब्लू बर्ड झील कहाँ है? हरियाणा में ब्लू बर्ड झील कहाँ है? तो ये जो है ब्लू बर्ड झील वो हिसार में है। ब्लू बर्ड झील जो है हिसार में है। गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र हरियाणा में कहाँ बन रहा है? गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र हरियाणा में कहाँ बन रहा है? ये अपना तरीके का इकलौता हरियाणा में बन रहा है नाभिकीय संयंत्र, तो ये बन रहा है फतेहाबाद में, हरियाणा में, फतेहाबाद हरियाणा में बन रहा है। हरियाणा का जिला न होते हुए भी पुलिस जिला बनाया गया है किसे? हरियाणा में ये जिला नहीं है लेकिन फिर भी इसको पुलिस जिला बनाया गया है, तो कौन सा है? वो है हांसी। हांसी को जो है पुलिस जिला बनाया गया है, ये जिला नहीं है लेकिन फिर भी इसको पुलिस जिला बनाया गया है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये जो है 573 है हरियाणा का जनसंख्या घनत्व। सरदार हुकम सिंह समिति जिसकी सिफारिशों से हरियाणा राज्य बना कब गठित की गई थी? सरदार हुकम सिंह समिति जिसकी सिफारिशों से हरियाणा राज्य बना था कब गठित की गई थी? तो ये जो है 23 सितंबर 1965 को गठित की गई थी सरदार हुकम सिंह समिति। पोलैंड से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार किस जिले में बिजली की बसों की शुरुआत करने जा रही है? पोलैंड से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार किस जिले में बिजली की बसों की शुरुआत करने जा रही है? तो ये वो है गुरुग्राम में बिजली की बसों की शुरुआत करने जा रही है। भिवानी से अलग होकर कौन सा जिला बना था? भिवानी जिले से अलग होकर कौन सा जिला बना था? तो ये जो है चरखी दादरी जिला जो है वो भिवानी से अलग होकर बना है। ये 22वां जिला है, 4 दिसंबर 2016 को ये बना था। हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारण के लिए 23 अप्रैल 1966 को
समिति गठित की गई थी उसका क्या नाम था? हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारण के लिए 23 अप्रैल 1966 को समिति गठित की गई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था आदेश सिंह समिति। आदेश सिंह समिति, इस आदेश सिंह समिति जो गठित की गई थी इसका फिर जे सी शाह आयोग बना था, शाह आयोग, जिसने भी उस पर इसके ऊपर नज़र रखने के लिए, मतलब ये जो समिति ने जो भी आउटकम दी थी उसका यूज करके जे सी शाह आयोग के द्वारा जो है सीमांकन किया गया था। फिर हरियाणा के महान्यायवादी एडवोकेट जनरल कौन है? हरियाणा के महान्यायवादी एडवोकेट जनरल कौन है? तो ये हैं बलदेव राज महाजन। बलदेव राज महाजन जो है हरियाणा के महान्यायवादी एडवोकेट जनरल हैं। हरियाणा सरकार ने पहला बाल विवाह मुक्त गांव किसे घोषित किया है? हरियाणा सरकार ने पहला बाल विवाह मुक्त गांव किसे घोषित किया है? तो ये जो है गांधीनगर गाँव है हिसार में, इसको जो है हरियाणा सरकार ने पहला बाल विवाह मुक्त गाँव घोषित किया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ये हैं अमित कुमार सरोहा। अमित कुमार सरोहा ने रजत पदक जीता था। पूनम रानी जो कि भारतीय हॉकी की टीम की कप्तान है, हरियाणा के किस जिले से हैं? पूनम रानी जो कि भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है, हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये जो हैं कुरुक्षेत्र जिले से, शाहबाद मारकंडा जगह से ये बिलोंग करती हैं पूनम रानी। हरियाणा में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी कब शुरू की गई थी? हरियाणा में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 12 जनवरी 2015 में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको बोलता आया हूँ, आज भी आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 25 क्वेश्चन का एक सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरा हौसला ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो मैं भी ऐसे ही वीडियोज आपके सामने रेगुलर बेसिस पर लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेज करने से ही मुझे मेरे अंदर भी एनर्जी आती है। चलिए अगली वीडियो के मैं फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।